नमस्कार, मेरा नाम सौम्य रंजन कानूनगो है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार और विश्लेषक, कृषक और समाजसेवी हूँ। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की संभावित सूची वायरल हो रही है, क्या संभावना दिखाई देती है आपको? बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है छत्तीसगढ़ में? देखिए, कितनी सीटें जीत पाएंगी और कितनी सीट प्रत्यक्ष रूप से आती है, ये तो स्पष्ट रूप से सूची के वायरल जब औपचारिक रूप से सूची की घोषणा होगी तभी पता चलेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से, खास करके एक समाचार चैनल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब सूची आएगी तो आपको ये नाम देखने के लिए मिलेंगे। अगर यही सूची सत्य प्रमाणित होती है, उस स्थिति में आप देखिए कि ये एक चिंतन का विषय होगा कि जिन कुछ चेहरों की वजह से भारतीय जनता पार्टी, जो 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर थी और छत्तीसगढ़ में शासन कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी। इसके जिम्मेदार वही लोग थे जो शीर्ष पे बैठे हुए थे, और जब से ये लोग गए थे उसके बाद से लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठनों के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि बदलाव जब तक नहीं किया जाएगा तब तक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन परिणाम बदलाव के नाम पर सांकेतिक रूप से जमीन पे कुछ ऐसे बदलाव करना जिनको जन सामान्य और कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद से उन्हीं पुराने घोड़ों पे दांव लगाना जिन्हें जनता ने पहले नकार दिया था, ऐसे नेता जिन्हें उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नकार दिया था, वैसे लोगों का चेहरा अगर आप दोबारा जनता के सामने परोसते हैं तो 15 सालों में आपका कोई उल्लेखनीय ऐसा कार्य नहीं है या ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है कि आप सत्ता में वापस आ सकते हैं। मुझे लगता है कि जो लिस्ट वायरल हो रही है, अगर वही लिस्ट वापस जारी होती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि स्थिति पहले से भी बुरी हो सकती है। वैसे एक अनुमान के अनुसार अगर मैं कहूँ, जो जन सामान्य से या पत्रकारों से या भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों से बात करने में पता चलता है, अधिकतम 20 सीटों की संभावना दिखाई देती है। वैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो मुझे भी 15 से 20 सीटों के ऊपर का खेल नहीं दिखाई देता है। यानी अगर हम कहें तो भूपेश बघेल जी जो बार बार कह रहे हैं कि 75+ की बात छत्तीसगढ़ में जो कर रहे हैं वो असंभव नहीं है, अगर यही सूची जारी होती है, जो सूची अभी समाचार चैनल, समाचार पत्रों के माध्यम से वायरल हो रही है, तो एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जीत थाली में परोस कर दे दी है। अच्छा, सूची में जैसे अभी रमन सिंह का भी नाम है, तो क्या वो फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जन सामान्य को तो यही लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो 15 साल तक मुख्यमंत्री था, उसे अगर दोबारा टिकट दी गई है और अगर वो व्यक्ति जीत कर आता है तो बहुत कुछ संभव है कि वो वापस मुख्यमंत्री बने। जैसे शिवराज सिंह चौहान लगातार 12 सालों तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे थे, 10 सालों तक थे, जब पिछली बार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और जब 1.5 साल बाद वापस सत्ता में लौटी तो शिवराज सिंह चौहान को ही वहाँ पे नेतृत्व का अवसर दिया गया था। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित नहीं किया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को जब प्रत्याशी के रूप में उतारा है तो संभव है कि जन सामान्य के मन में ये विचार आ सकता है कि रमन सिंह ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। मतलब क्या लगता है आपको, रमन के नाम पर इस बार वोट नहीं मिलेंगे? देखिए, रमन सिंह के नाम पर तो पिछली बार भी वोट नहीं मिले थे, अगर रमन सिंह के नाम पर वोट मिलते तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति नहीं हुई होती। अच्छा, चुनावी घोषणा पत्र कैसा रहेगा बीजेपी का, क्या वो काम आएगा? देखिए, सबसे जो प्राथमिक बात होती है किसी भी पार्टी की जीत में वो प्रत्याशियों पर निर्भर करती है, खास करके तब जब आप एंटी इनकम्बेंसी से सत्ता से बाहर गए हैं, तो आपकी वापसी के लिए सही प्रत्याशियों का चयन बहुत मायने रखता है, उसके बाद में आपका घोषणा पत्र मायने रखता है। क्योंकि आपकी बात पे अभी जब हम जन आपके साथ में भी जब हम कई गांवों में सर्वे के लिए गए थे और जो समाचार पत्रों में सर्वे के माध्यम से आया है, तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से किसानों ने और समाज के सभी वर्गों ने ये कहा है कि प्रदेश का जो वर्तमान नेतृत्व है उनकी बातों पे उन्हें विश्वास नहीं है। यानी कि अगर प्रदेश नेतृत्व या प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घोषणा पत्र जारी करता है तो उसकी बात पे तो वैसे भी जनता विश्वास कम करेगी, और अगर प्रत्याशी चयन गलत हो जाता है और केंद्रीय नेतृत्व भी आकर अगर घोषणा पत्र जारी करता है तो जीत की संभावना बहुत कम रहेगी।
मतलब इतना सर्वे करवाने के बावजूद अगर बीजेपी सही प्रत्याशी नहीं चयन कर पाई है, अभी भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी अगर ऐसे सामने आ रही है, तो आप इसकी वजह क्या मानते हैं, क्या कमी रहेगी होगी सर्वे में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सर्वे में किसी प्रकार की कमी थी। सर्वे करने के लिए जो भी जमीनी मैदानी क्षेत्रों में आए होंगे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से सर्वे करके दिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग 15 साल से सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए थे, वो अभी भी अपने आप को सत्ता संचालन से दूर रखना नहीं चाहते हैं। उन्हें शायद उनके मन में ये मंशा रही होगी, उन्हें पार्टी की जीत से ज़्यादा अपना प्रभाव ज़्यादा प्यारा होगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के नाम आगे बढ़ाए होंगे जिससे सत्ता में उनकी पकड़ बनी रहे। तो अभी आपको क्या संभावना दिखाई देती है, बीजेपी जीत पाएगी ऐसे में? जो लिस्ट वायरल हो रही है, उस लिस्ट में बहुत कम नाम ऐसे हैं जो जीत के आने में सक्षम हैं, और उसमें से जो जीत के आने में सक्षम लोग हैं, वो लोग स्वयं जो जमीनी स्तर पे तैयारी किए हैं और स्वयं जीत के आने की स्थिति में हैं, जो जिनका अपने जिनके प्रयास पार्टी के प्रयास से बड़े हैं, ऐसे लोग ही हैं, और उनकी संख्या बहुत कम है। अच्छा, जैसे रायपुर विधानसभा से बसना से जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे पुरंदर मिश्रा जी, उनको टिकट दे दी गया है, तो क्या लगता है वहाँ से वो जीत दिला पाएंगे? देखिए, अभी इस विषय में कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन स्वाभाविक है, क्योंकि जो उत्तर विधानसभा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में उड़ीसा का जो प्रवासी उड़िया समाज है, जो रायपुर में बहुत लंबे समय से रह रहा है, ऐसा माना जाता है कि 25 से 30 हज़ार वोटर उड़िया समाज के उत्तर विधानसभा में हैं। तो निश्चित रूप से फिर उत्तर विधानसभा में जगन्नाथ मंदिर, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पे प्रतिवर्ष राज्यपाल मुख्यमंत्री, जैसे अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया भी जब छत्तीसगढ़ आई थी, तो उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ दौरे की शुरुआत उसी जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ करके प्रारंभ किया था, और जगन्नाथ भगवान उड़ीसा के संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए आस्था का तो केंद्र है ही, लेकिन उड़ीसा के लोगों का विशेष रूप से आस्था का केंद्र जगन्नाथ भगवान रहते हैं। तो वहाँ पे निश्चित रूप से पुरंदर मिश्रा जी को इस चीज़ को का फायदा तो मिल सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि वहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से वहाँ टिकट की मांग कर रहे थे, जैसे संजय श्रीवास्तव जी हैं, राजीव अग्रवाल जी हैं, केदार गुप्ता जी भी हाल ही में पिछले 4 वर्षों में उन्होंने भी उत्तर से टिकट के लिए लगातार प्रयास किया है, तो इनके साथ में किस प्रकार से सामंजस्य बिठा पाते हैं, क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन लोगों को बगावत से रोक पाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा।